Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइज पिछले एपिसोड में तो आप लोगों ने देखा था कि माइकल के लिए हम लोगों ने हाउस सिक्योरिटी रखी थी, वो भी हल्क पिटबुल के पपीज़ की। तो गाइज जो आज का वीडियो होने वाला है उनके लिए आज हम लोग जो है डॉग हाउस बाय करने वाले हैं, वो भी फार्मर के घर से। ठीक है, तो अभी जल्दी से माइकल जो है रेडी हो रहा है यहाँ पर। तो अभी तक जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दो। और अभी आके दोस्तों माइकल यहाँ पर जो है आज ड्रिंक नहीं करने वाला, आज यहाँ पर वो जो है अपनी हेल्थ ड्रिंक ले रहा है जो कि अमेंडा उसके लिए बनाती है हमेशा से लिए। तो अभी दोस्तों मेरे को जल्दी से डायरेक्ट निकल जाना है कहाँ पर, सीधा फार्मर के घर पर, और फार्मर के घर पर जाके ऑर्डर देने हैं। कम से कम 8 से 12 घर बनवाने हैं हम लोग को, ठीक है। और जब तक वो बड़े हो जाएंगे तब तक दोस्तों हमारे जो है काफ़ी अच्छे घर दिखने लग जाएंगे। और ये रही गाइस, अभी मैं सिक्योरिटी आप लोगों को दिखाऊँ तो कल की सिक्योरिटी हम लोगों ने लगा रखी थी, ये रही भाई हमारी सिक्योरिटी कि दो दो सब जगह हम लोगों ने रखे हुए हैं अपने डॉग्स जितने भी हैं जो पपीज़। और ये रहे उनके मॉम एंड डैन जिसका नाम था हल्क पिटबुल एंड कैंडी। तो आप लोग देख ही पा रहे हो अभी दोस्तों यहाँ पर दो हैं, उस साइड भी दो हैं और पीछे, मतलब हर गेट पर दोस्तों दो दो लगे हुए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा वफादार हैं, इतने जितने ज़्यादा छोटे ही हैं उतने ज़्यादा मज़ेदार भी हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि हमारे पास कितने सही हल्क पिटबुल की आर्मी धीरे धीरे बनती जा रही है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। तो चलो अभी जल्दी से मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, अब इनके बाद मुझे जल्दी जल्दी जाना है वहाँ पर और फार्मर के पास से मुझे ले लेना है एक बढ़िया सा घर, इनके लिए बनवा लेना है घर, ताकि भाई इनको लोग को जो है ना ठंड वगैरह ना लगे, क्योंकि लॉस एंजेलोस में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अभी कुछ ही दिन पहले बर्फ गिर गई थी जिसमें दोस्तों हम लोग का एक्सीडेंट भी हो गया था, जिमी ट्रेसी एंड अमेंडा का। हम लोग शिमला ट्रिप पे गए हुए थे, माउंट चिल्याड पर काफ़ी तगड़ी बर्फ गिरी हुई थी। तो अभी दोस्तों रिस्टोर भी करना पड़ेगा हम लोग को स्कॉर्पियो को, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना आप लोग कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को भी हमें रिस्टोर करना है कि नहीं करना है, और कौन सा कलर दें इस बार उसे, ब्लैक सही रहेगा व्हाइट सही रहेगा। फिर दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो को भी लेके आना आप लोगों के पास, ठीक है। तो अभी दोस्तों कैसे ना कैसे करके वो मतलब टूट सी गई थी, फ्रैंकलिन भी उसे स्टील करने आया था। अगर आप लोगों को पिछली कहानी नहीं पता तो फ्रैंकलिन भी उसे स्टील करने आया हुआ था और वो गॉन रॉन्ग हो गया था, मतलब एक तरह से उसने हमारी कार को ही पूरा ब्लास्ट कर दिया था। तो अभी दोस्तों रेनोवेट कराने के लिए मैंने दिया तो हुआ है, तो देखते हैं गाइस कब तक वो बन जाती है और कब तक हमको दोस्तों अच्छी से हमारी स्कॉर्पियो जो है दोबारा से मिल पाएगी। और अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पे दोस्तों फार्मर है, और फार्मर का जो हैंगर है वो यहीं पर है। बाकी आप लोग खुद ही चेकआउट कर पा रहे हो यहाँ पर कि कितना बड़ा हैंगर, ये क्या सीन है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों कि मुझे इनका ध्यान बटाने के लिए इस कार को ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो देखो गाइज मैंने यहाँ पर जो है इसमें कार पे एक स्टिकी बम लगा दिया है। तो गाइज वहाँ पर कुछ लॉस्ट गैंग के एरिया के कुछ मेंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी दोस्तों इस हैंगर के पीछे जाके हम लोग उसको चेक करते हैं, और बाकी ध्यान बटाने के लिए मैंने अपनी कार में दोस्तों जो है स्टिकी बम लगा दिया है। वैसे भी दोस्तों वो कार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और गाइज यहाँ पर एक तेल भरा टैंकर भी रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी साजिश बन सकती है और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग उसे मार सकते हैं। तो गाइज ये लॉस्ट गैंग है, और लॉस्ट गैंग के सबू बैंकर मैंने जब उसको वहाँ पर ब्लास्ट किया, इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं बटा, ये भाई बिल्कुल कंसंट्रेटेड है कि भाई कोई भी साजिश कुछ भी हो सकती है। तो आप लोग खुद ही देख पा रहे हो यहाँ पर कि गाइज ये रहा वो भयंकर। तो यहाँ पर लगता है फ्रैंकलिन ने लॉस्ट गैंग के साथ दोबारा से पैचअप कर लिया है और फार्मर को मारने आए हुए हैं ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है गाइज हल्क पिटबुल से हम लोगों ने उसे मरवाया था और हॉस्पिटल से ठीक होके तो वो तो आ चुका है। तो अभी दोस्तों हम लोग डायरेक्ट जो है इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और मेरे पास एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है वो मैं लगाता हूँ, अगर वो काम आ जाएगी तो आधे से ज़्यादा जनता उनकी ऐसी मारी जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने इनका ध्यान बटा दिया है, और अब मैं ये वाली कार लेके टैंकर के पास आऊँगा, तेल वाले टैंकर के पास, और ये लोग एकदम से वहाँ पर आएंगे जैसा कि दोस्तों प्लान के साथ अभी चल रहे हैं सब। कोई टैंक अगर फटा तो ये सब भी फट जाएंगे आराम से। देख पा रहे हो गाइस प्लान काफ़ी ज़्यादा अति हद तक जो है सक्सेसफुल हुआ है, और कुछ ही बंदे अब बचे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बंदे हम लोगों ने यहाँ पर किल कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन भाग खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग खुद ही देख पा रहे हो अभी कि वो वाला जो है हमारी कार है वो भी ब्लास्ट हो चुकी है, और साथ में टैंकर के साथ आधे से ज़्यादा लॉस्ट गैंग की जितनी भी जनता थी वो सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी है। और ये कुछ बचे हुए थे भाई उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर किल कर दिया। पूरा गुस्सा दोस्तों माइकल जो है अपना उतार रहा है इनके ऊपर। अभी फ्रैंकलिन दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जो ग्लाइडर हेलीकॉप्टर होता है, सॉरी ग्लाइडर नहीं एक प्लेन होता है ग्लाइडर, उस पर दोस्तों वो लेके गए हुए हैं। भाई रुक जा गंजे बोल तो लेने दे अभी। तो वो मेरे ख्याल से चला गया है यहाँ से, और वो मेरे को वहीं पर ये रहा गाइस, ये प्लेन से उड़ रहा है मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन। तो जल्दी से गाइस मुझे इसे डाउन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे गाइस सबसे पहले अभी निकालना पड़ेगा
आरपीजी लॉन्चर, क्योंकि इन गन की वहाँ तक की रेंज ही नहीं है। और गाइस वो जो है ना लॉक करके उसे मारती है, तो देखो जब रेड हो जाता है तो भाई हमें जो है लॉक करके उससे जो है पड़ेगी वहाँ पर, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, उसके पीछे जाके कहीं ना कहीं तो उसके पीछे जाके ब्लास्ट होगी। वो देखो गाइस उसके जस्ट पीछे ब्लास्ट हुआ है और वो प्लेन भी वहीं कहीं जाके दोस्तों वो ब्लास्ट हो गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो गाइस वो प्लेन तो ब्लास्ट हो गया है, तो मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन के पास पैराशूट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो उसको तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल उसके घर पे जाके अभी तबाही करता हूँ, तो देखते हैं क्या बोलता है वो। और इस फार्मर को जल्दी से ऑर्डर दे देते हैं और रात तक वो मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस हमारी जो है बात हो चुकी है फार्मर से, और फ्रैंकलिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बनने लगा है आजकल, और वो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा बन के मडरा रहा है एक तरह से। तो गाइस मुझे कैसे ना कैसे करके उससे बच के रहना पड़ेगा। और अभी मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद शाम तक में दोस्तों जो है बने बनाए घर वो ले आके हमें दे देगा। तो इससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर भी एक गन शॉट किया है एक कार वाले को, और देखो मेरे ऊपर कार ऐसे चढ़ा रहे हैं जैसे गाइस मैं केले का छिलका पड़ा हूँ अभी नीचे। तो ये वाली मेरे को बाइक ले लेनी है, तो बाइक गाइस हम लोगों ने यहाँ से ले ली है। अब जल्दी से मेरे को जाना पड़ेगा सीधा फ्रैंकलिन हाउस पर, वहाँ पर जाके उसके घर पर खूब सारी तबाही करनी है उसको। दोस्तों हमें जो है बदले में कुछ देना पड़ेगा सरप्राइज़ वगैरह कि भाई हाँ हम भी यहाँ पर हैं और तुम अकेले नहीं हो यहाँ पर गैंगस्टर। तो माइकल अभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ी स्पीड में जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे आगे जाके करना क्या है। और लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गाइस कि हमारे जो है कितने घर आ चुके हैं डॉग हाउस और कैसे कैसे वो लग रहे हैं और किस अरेंजमेंट में दोस्तों हम लोगों ने उसे जो है वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, बाकी दोस्तों माइकल की स्पीड आप लोग खुद ही चेकआउट कर पा रहे हो, जितनी मैक्सिमम स्पीड जा सकती है उतनी बाइक की वो चला रहा है स्टंट के साथ। तो मैक्स स्पीड मेरे ख्याल से 176 किलोमीटर पर आ रही गई है इसकी। और अभी हम लोग यहाँ पर जो दोस्तों रोड में एंट्री ले रहे हैं, ये आई साहब पूरी धूम फोर यहीं बन गई। तो चलो अब ये वाली जो है हमारी जो बाइक है उसमें हम लोगों ने हेलमेट लगा लिया है क्योंकि अब हम लोग रोड में आ चुके हैं। थोड़े स्टंट से शुरू करते हैं और डायरेक्ट दोस्तों मैं आप लोगों को जाते जाते मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी क्योंकि दोपहर तो अभी यहाँ पर हो ही गई थी। तो ओके गाइस दिन के यहाँ पर अभी जो है 5 से 6 बज रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था और हम लोग को यहाँ पर शाम हो चुकी है। और शाम होते होते फ्रैंकलिन यहाँ पर दोस्तों घर पर अभी मेरे ख्याल से पहुँचा नहीं होगा क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तगड़ा बैडली इंजर्ड हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है भाई। और प्लेन क्रैश होने के बाद अगर उसने पैराशूट भी पहले खोल दिया होगा तो मिसाइल पीछे से ही आ रहा था, अगर खोलेगा तो भाई मिसाइल भी फटेगा और साथ साथ में उसका पैराशूट भी जाएगा, तो लैंडिंग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई होगी और उसके कारण से गाइस उसके हाथ पैर जो है टूट चुके होंगे। तो अभी जल्दी से मेरा काम क्या है मैं आप लोगों को जल्दी से आप लोग देखना, यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो बिल्कुल यहाँ पर तबाही हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये देखो गाइस हम लोग ने यहाँ पर शुरू कर दिया अपनी तबाही। मतलब फ्रैंकलिन को दिखाना है कि भाई हाँ हमसे पंगे मत लो, हमसे ही बड़े हो, और मतलब माइकल से ही वो सब कुछ इतना बड़ा गैंगस्टर बना है और माइकल को ही आज धोखा देगा तो फिर गलत बात है ये। भाई तुमको स्कॉर्पियो चुरानी था तो तुम बताते हम लोगों को, तो हम लोग जो है मतलब माइकल जो है एक तरह से काफ़ी और अच्छे अच्छे उसे स्कॉर्पियो के वर्जन दिखाता, मंगवाता उसके लिए। भाई चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार भी उसने मुझसे बात भी नहीं की, और जब बात नहीं करोगे तो भाई ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो कि हम लोगों ने अभी जो है काफ़ी तगड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी कर दी है इतने बड़े और इतने मस्त घर पे। ठीक है, तो इसके बाद से मुझे जाना है सीधा लेस्टर के घर पर और लेस्टर घर के सब कुछ जाके उससे सब कुछ बता देना है कि भाई मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बाद में लेस्टर ही दोस्तों क्रिमिनल केसेस अपने जो है हैंडल करता है, क्योंकि अभी हम लोगों में अगर लड़ाई वगैरह हो गई और कुछ भी अगर होता है तो फिर दोस्तों क्रिमिनल केस जो हैंडल करेगा वो लेस्टर ही करता है। तो इसलिए गाइस लेस्टर को बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जितनी भी बाहर ये टूं टूं कर रही है ना इनको भी बताता हूँ अभी मैं, ये फायर ब्रिगेड जितनी है इनको भी मार देते हैं। तो मारने के बाद गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर मेरे को सारे बाहर जो है एकदम अटैक कर देने हैं, और उसके बाद मैं लेस्टर के घर पर जाके डायरेक्ट आप लोगों को सुबह हम लोग निकल जाएंगे, बहुत जल्दी सुबह निकलेंगे 9 बजे 8 बजे। ये देखो गाइस यहाँ पर लगता है मेरे ख्याल से फ़ोन वगैरह भी आ रहे हैं। तो ओके गाइस सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं लेस्टर घर पे जाके उसे पूरी कहानी बता चुका हूँ जो कि मैंने उस वाला पार्ट आप लोगों को नहीं दिखाया, आप लोग भी बेताब होगे बहुत जल्दी देखने के लिए। तो 9:16 यहाँ पर हो रहा है, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, और हम लोग अंदर की तरफ मैं एंट्री यहाँ पर ले चुके हैं, और लेने के बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई डॉग हाउस वहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो 3 डॉग हाउस ही नहीं है, बाकी दोस्तों इनकी जो ड्यूटी दी है अलॉटमेंट इनको जो हुआ है जैसी रात होगी वो अपने घर पे जाके अंदर हो जाएंगे। बाकी ये रहे 3 घर। ठीक है,
इन घर के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे देख के हल्क पिटबुल और कैंडी और उसके कुछ पपीज जो है मेरे को देख के पागल से हो जाते हैं, मतलब खुशी होती है उन लोगों को इतनी ज़्यादा। यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, ताकि लड़ाई ना हो तो इधर से उधर जो है उनका घर रखा है, ताकि खाने में भी लड़ाई ना हो, ठीक है। तो एक ऑल्टरनेट में रखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो, तो काफ़ी तगड़े घर हम लोगों को लग रहे हैं ये, और इनके लिए बेस्ट है। ये लोग अंदर आराम से रह सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, और बाकी हल्क पिटबुल और कैंडी तो हम लोग के साथ रूम पर रहते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नहीं हो तो गाइस अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोगों को ये कैसा लगा घर वगैरह जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू ऑल एंड।